अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज हम जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन, विच आर द फॉलोइंग पावर प्लांट हैज़ लोएस्ट जनरेशन कॉस्ट। ये हमारे पास ये पावर प्लांट गिवन है, पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड डीजल पावर प्लांट। इनमें से ऐसा कौन सा पावर प्लांट है जिसकी जनरेशन कॉस्ट सबसे कम है? तो इसमें हमारे पास जो राइट आंसर बनता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बेसिकली ये वाटर साइकिल के ऊपर काम करता है। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है, इसकी जनरेशन ज़्यादातर एनर्जी, मेन जो इसकी जनरेशन होती है ये वाटर की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी वाटर की एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी हमें जनरेशन हमें आउटपुट मिलेगी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर जो मेन जो इसमें वाटर साइकिल यूज होती है, वाटर साइकिल का जो मेन सोर्स होता है वो सन होता है। तो इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट होता है इसकी कॉस्ट इस वजह से बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट कॉस्ट होती है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट की होती है। तो लोएस्ट कॉस्ट का उसने पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैज लोएस्ट जनरेशन कॉस्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, अ लोड कर्व इज अ प्लॉट ऑफ लोड वर्सेस कॉस्ट ऑफ पावर, लोड वर्सेस जनरेशन कैपेसिटी, लोड वर्सेस टाइम। तो लोड कर्व बेसिकली ये टाइम और बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो टाइम और हमारे पास लोड की वेरिएशन के दरमियान, लोड की वेरिएशन और टाइम के साथ जो लोड की वेरिएशन होती है उसको हम लोड कर्व कहते हैं। तो लोड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लोड इन प्रॉपर टाइम सीक्वेंस विद द टाइम इन हावर्स। तो लोड कर्व ये बेसिकली टाइम, ये इस तरफ हमारे पास टाइम रहता है एक्सेसिस में, तो ये इस तरफ हमारे पास ये लोड है, लोड मेगावाट या किलो वाट के अंदर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह हमारे पास लोड होता है, तो डिफरेंट पॉइंट के अंदर हमारे पास टाइम के लिहाज से लोड चेंज होता रहता है। लोड कर्व इज अ प्लॉट ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द लोड वर्सेस टाइम। तो अगर हम डेली लोड 24 आवर का लोड कर्व बनाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, डेली लोड कर्व। इसी तरह अगर एनुअल पूरी ईयर का लोड वेरिएशन चेक करें टाइम के लिहाज से तो उसको हम एनुअल लोड कर्व कहते हैं। तो लोड कर्व डिटरमाइन द लोड वेरिएशन ड्यूरिंग द डिफरेंट आवर्स ऑफ द डे। तो लोड कर्व क्या करता है, जो हमारे पास जो लोड फ्लक्चुएट करता है, लोड की वेरिएशन होती है टाइम के साथ, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उस कर्व को हम लोड कर्व कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लोड वर्सेस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये आप कर्व देख सकते हैं हमारे पास, ये लोड कर्व है डिफरेंट पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर लोड पीक लोड है, इस पॉइंट पर हमारे पीक लोड है, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास टाइम के लिहाज से लोड कम हो गया। तो ये हमारे पास लोड को मेगावाट या किलोवाट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये लोड कर्व इज अ लोड वर्सेस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, विच आर द फॉलोइंग प्लांट हैज लॉन्गेस्ट लाइफ, इनमें से कौन सा पावर प्लांट है जिसकी लाइफ लॉन्गेस्ट होती है? तो इसमें हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन इज द राइट आंसर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैज लॉन्गेस्ट लाइफ, क्योंकि ये वाटर साइकिल पे काम करता है। वाटर साइकिल जो होती है वो उसका जो मेन सोर्स है, सोर्स होता है वो सन होता है। तो ये मेन इसकी जो लॉन्गेस्ट लाइफ जो होती है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। तो अभी ये कई बार ये पेपर क्वेश्चन में आ चुका है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 420 वोल्ट इज रेफर्ड हैज दो, इसको हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो हमारे पास जो प्राइमरी ट्रांसमिशन होती है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, चार हमारे पास फैक्टर्स हैं। प्राइमरी हमारे पास जो ट्रांसमिशन होती है इसमें हाई वोल्टेज ऑर्डर ऑफ दी 66 kV 132 कोई भी इसकी रेंज है। तो इस तरह जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन होती है वो लो वोल्टेज ऑर्डर ऑफ दी 3.3 kV 11 kV और 33 kV। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास वोल्टेज रेंज होती है 11 kV to 130 kV होती है। इस तरह जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है 420 to 220 वोल्ट, हमें जो आउटपुट 420 वोल्ट होती है या फिर इस तरह 220 वोल्ट आउटपुट मिलती है। जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो हमें सेकेंडरी वोल्टेज की डिस्ट्रीब्यूशन 420 वोल्ट या 220 वोल्ट होती है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये आप याद रख लें इस टेबल को, तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द मटेरियल फॉर द बस बार इज यूज फॉर, तो बस बार जो होती है वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? हमारे पास जो सब स्टेशन होता है उसके अंदर जितने फीडर्स वगैरह लगे होते हैं, फीडर्स के अंदर जो इंटरनली आपस में कनेक्ट होते हैं, ये फीडर वन, फीडर टू, ये हमारे पास तीन फीडर्स हैं। ये हमारे पास फर्स्ट फीडर है, ये हमारे पास सेकंड फीडर है और ये हमारे पास थर्ड फीडर है। तो ये इंटरनली ऊपर से बस बार के साथ कनेक्ट होते हैं। तो बस कार बार का जो मटेरियल होते हैं उसे हम एल्यूमिनियम, ज़्यादातर एल्यूमिनियम यूज होता है, एल्यूमिनियम इज यूज फॉर द बस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, द सर्ज इंपीडेंस ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, तो ओवरहेड किस ओवरहेड ट्रांसमिशन होती है उसकी सर्ज इंपीडेंस कितनी होती है? सर्ज इंपीडेंस का जो फार्मूला है, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट
एल बाई सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सर्ज इंपेडेंस जो होती है वो ट्रांसमिशन लाइन की 2 से 4 हंड्रेड के दरमियान होती है। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो राइट आंसर बनता है तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, 2 से 4 हंड्रेड के क्वेश्चन में ये ऑप्शन सी राइट आंसर बनता है। ऑप्शन जी हमारे पास राइट ऑप्शन बी राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 200 to 400 इज इंपेडेंस ऑफ आवर ट्रांसमिशन लाइन। तो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है इसकी 400 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्किन इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो स्किन इफेक्ट बेसिकली ये होता है कि हमारे पास जो ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन में होती है उनके अंदर अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है कि हमारे पास जो कंडक्टर का सरफेस हो रही होता है उसके ऊपर करंट ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू द कर्व। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्किन इफेक्ट। द फैक्ट इन विच द कंडक्टर कैरीज द मोर करंट एंड द सरफेस हैज परमिटेड टू द कोर इज नाउन एज अ स्किन इफेक्ट। ये आप देखते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है, ये अंदर वाला जो उसका सर्कल है ये इसका कोर है, तो सरफेस एरिया होता है इसके ऊपर करंट हमारे पास ज़्यादा हो जाता है, तो इस इफेक्ट को हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। सारा करंट जो होता है हमारे पास वो सरफेस पे ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू द कोर। तो कोर जो होता है इसके अंदर हमारे पास बहुत कम करंट रह जाता है, कम करंट होता है। तो द इफेक्ट इन विच द कंडक्टर कैरीज द मोर करंट ऑन द सरफेस एज कम्पेयर टू द कोर इज नाउन एज अ स्किन इफेक्ट। तो सरफेस के ऊपर ज़्यादा करंट हो जाता है, कोर के अंदर करंट बहुत कम हो जाता है, इस इफेक्ट को हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। स्किन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज रिलेटेड टू द ट्रांसमिशन लाइन, इनमें से कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड है। एक इफेक्ट तो हमारे पास स्किन इफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड है, दूसरा इसमें आ जाता है दो हाल्फ इफेक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए यूज होता है। तो इसमें राइट आंसर मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कोरोना इफेक्ट। तो कोरोना इफेक्ट जो ये ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड है। तो कोरोना इफेक्ट में ये होता है हमारे पास ये जो हाई ट्रांसमिशन लाइन टावर होते हैं, ये हमारे पास टावर वन है, सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास सेकंड टावर है, तो आपस में कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट है। तो स्किन इफेक्ट में ये होता है जो आयनाइजेशन के वैसे जो हमारे पास इनसाइड एयर होती है कंडक्टर के इर्द गिर्द, जो हमारे पास एयर है इनसाइड एयर है इसके अंदर एक चार्ज आ जाता है जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, चार्ज की वजह से इनसाइड एयर आयनाइजेशन के वजह से इनसाइड एयर पे हमारे पास एक चार्ज आ जाता है जिसको हम कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। इसका जो कलर रहता है ब्लू कलर, ब्लूश कलर होता है, कलर होता है। तो इसके एमसीक्यू में बाद पूछा जाता है कि कोरोना का जो कल जो कलर होता है किस तरह वो हमें किस तरह का होता है, वो हमारे पास ब्लू कलर में हमें अपीयर ऑब्जर्व होता है। तो इनसाइड एयर जो कंडक्टर के अक्रॉस जो इनसाइड एयर होती है उसके अंदर हमारे पास आयनाइजेशन के वजह से एक इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, तो इसको हम कोरोना कहते हैं। कोरोना इफेक्ट बेसिकली ये होता है द आयनाइजेशन अफेयर अराउंड द पावर कंडक्टर इन अ ट्रांसमिशन लाइन इज नाउन एज अ कोरोना इफेक्ट। द आयनाइजेशन अफेयर अराउंड द पावर कंडक्टर इन अ ट्रांसमिशन लाइन इज नाउन एज अ कोरोना इफेक्ट। तो हमारे पास जो पावर कंडक्टर होता है उसके आयनाइजेशन के वजह से एयर के अक्रॉस जो इनसाइड एयर होती है उसके अंदर चार्ज आ जाता है जिसको हम कोरोना डिस्चार्ज भी कहते हैं। कोरोना इफेक्ट को कोरोना डिस्चार्ज भी कहा जाता है। इस इफेक्ट को हम कोरोना इफेक्ट कहते हैं। कोरोना इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम जो कंडक्टर के जो डिफरेंट कंडक्टर होते हैं एक ट्रांसमिशन लाइन में से हमारे पास काफ़ी कंडक्टर टू आए थे डिफरेंट कंडक्टर गुजर रहे होते हैं, तो कंडक्टर के दरमियान जितनी स्पेसिस को ज़्यादा करेंगे स्पेसिंग को इंक्रीज करने की वजह से हमारे पास कोरोना इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। इसकी काफ़ी और भी मेथड है डिक्रीज करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया कौन सा इफेक्ट जो ये ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड है। कोरोना इफेक्ट इज रिलेटेड टू द ट्रांसमिशन लाइन। द इफेक्ट इन विच द कोरोना इफेक्ट इज इफेक्ट इन विच द पावर कंडक्टर कैरी इन विद पावर कंडक्टर है। कोरोना इफेक्ट रिलेटेड कोरोना इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिसकी वजह से हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन के इर्द गिर्द जो है हमारे आयनाइजेशन की वजह से एयर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, एयर के अक्रॉस जो आयनाइजेशन ऊपर चार्ज आ जाता है जिसको हम कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। इफेक्ट इन विद पावर कंडक्टर कैरी इफेक्ट इन विद द आयनाइजेशन अफेयर अराउंड द पावर कंडक्टर इन ट्रांसमिशन लाइन इज नोन एज अ कोरोना इफेक्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अवर है ट्रांसमिशन लाइन द टॉप मोस्ट कंडक्टर इज, तो अवर है ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके अंदर टॉप मोस्ट कंडक्टर वो होता है अर्थ कंडक्टर होता है। टॉप मोस्ट कंडक्टर वो जो होता है उसे अर्थ कंडक्टर कहते हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली यूज होता है, आपके नहीं द राइट आंसर। फॉर 66 kV लाइन द नंबर ऑफ इंसुलेटर इज, 66 kV लाइन के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ इंसुलेटर होते हैं 5 इंसुलेटर होते हैं। तो जो 132 kV होती है उसके अंदर हम 10 डिस्क इंसुलेटर यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में द वाट मीटर इंडिकेट्स विच आर द फॉलोइंग पावर, तो वाट मीटर इनमें से कौन सी पावर को रिलेट कर रहा है, कौन सी पावर जो रिलेटेड है वाट पावर से, वो इसमें राइट आंसर है एक्टिव पावर इज रिलेटेड टू द वाट मीटर। इन विच पावर सिस्टम सिंगल लाइन डायग्राम इज रिप्रेजेंट टू द, तो सिंगल लाइन डायग्राम ये होती है कि पूरे हमारे पास जो भी सब स्टेशन है ग्रिड स्टेशन है उसके अंदर जितने कंपोनेंट लगे होते हैं
कितने कंपोनेंट्स के अंदर लगे होते हैं उसको हम सिंगल लाइन के अंदर रिप्रेजेंट कर, चाहे वो पावर ट्रांसफार्मर है, सीटी है, पीटी है, जो भी, उसको हम एक डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ग्रिड के अंदर जितनी फाइल्स हैं, केबल हैं, सारी एक डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो सिंगल लाइन डायग्राम जो ये बैलेंस पावर सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, पूरे ग्रिड को रिप्रेजेंट करती है या सब स्टेशन को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड द पिक ऑफ करंट ऑफ रिले इज 7.5 एंड द फॉल करंट इज रिलीज द प्लग सेटिंग। जो प्लग सेटिंग पीएस किसके इक्वल होती है, प्लग सेटिंग विल बी इक्वल टू, तो डिफॉल्ट करंट इन द रिले, तो फॉल्ट करंट इन द रिले कॉइल डिवाइडेड बाय द डिफॉल्ट करंट इन द रिले कॉइल डिवाइडेड बाय द पिकअप करंट, पिकअप करंट इन द रिले कॉइल डिवाइडेड बाय द फॉल्ट करंट इन द रिले कॉइल डिवाइडेड बाय द पिकअप करंट इन द रिले कॉइल। तो क्वेश्चन में आंसर रहता है हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय 7.5 करते हैं तो हमारे पास इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो पिकअप करंट क्या होता है हमारे पास, जो प्लग सेटिंग की होती है, पिकअप करंट इन द रिले कॉइल डिवाइडेड बाय फॉल्ट करंट इन द रिले कॉइल डिवाइडेड बाय द पिकअप कॉइल इन द पिकअप करंट इन द रिले कॉइल। प्लग सेटिंग पीएसएम इज इक्वल टू द फॉल्ट करंट इन द रिले कॉइल डिवाइडेड बाय द पिकअप करंट इन द रिले इन दैट कॉइल 7.5। तो 30 डिवाइडेड बाय 7.5 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 4 इज द राइट आंसर। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्चार्ज, टाइम एंड डिस्चार्ज के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हाइड्रोग्राफ कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन कई बार हमारे पास एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर्स आर मेड अप ऑफ द पोसिलीन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हमारे पास जो इंसुलेटर होते हैं उसमें पिन इंसुलेटर और हमारे पास पिन इंसुलेटर होते हैं, स्ट्रेन इंसुलेटर यूज होते हैं। तो जो इंसुलेटर आर मेड अप ऑफ द पोसिलीन। ऑप्शन बी द राइट आंसर। द फंक्शन ऑफ लाइटिंग एरेसर इज टू प्रोवाइड द हाई पाथ वोल्टेज टू द सर्च टू द अर्थ। तो ये हमारे पास जो टॉप मोस्ट कंडक्टर होता है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, वो हमारे पास अर्थ कंडक्टर होता है। अर्थ कंडक्टर के साथ ये हमारे पास लाइटिंग रजिस्टर जो होता है, जो हमारे पास हाई वोल्टेज सर्च होती है उसको ग्राउंड कर देता है। प्रोवाइड द हाई वोल्टेज सर्च वोल्टेज टू द अर्थ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच आर द फॉलोइंग आइटम शेयर द मेजर कॉस्ट। तो मेजर कॉस्ट में से कौन सा आइटम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर शेयर करता है, वो ऑप्शन सी द पावर ट्रांसमिशन में इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द अदर। द कोल यूज इन पावर प्लांट इज आल्सो नाउन हैज, तो इज आल्सो नाउन इज स्टीम कोल। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इफेक्ट ऑफ आइस डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर आइस के ऊपर जब आइस आ जाती है, आइस के वजह से कंडक्टर का जो वेट होता है इंक्रीज होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच आर द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज फॉर द बस बार। बस बार के लिए एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इन आउटडोर स्टब स्टेशन द लाइटिंग रजिस्टर इज प्लेस नियर द पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए हम राइट लाइटिंग रजिस्टर को यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द लो वोल्टेज केबल्स होती है उनको अप टू द हमारे पास 6.6 kV तक यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन यूजेज, तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उनके अंदर सस्पेंशन इंसुलेटर को यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कि अबव 32 kV से जो ज़्यादा वोल्टेज, ग्रेटर देन 32 kV से जो ज़्यादा वोल्टेज यूज होती हैं उनमें हम सस्पेंशन इंसुलेटर को जाते हैं। ये जो पिन इंसुलेटर होते हैं ये बिलो द 25 kV तक यूज होते हैं, अप टू द 25 kV, ये ग्रेटर देन 32 kV। क्वेश्चन नंबर 24 है, 11 kV फॉर 11 kV लाइन द इंडक्टेंस पर किलोमीटर, तो 11 kV लाइन जो होती है उसमें इंडक्टेंस पर किलोमीटर होती है वो यदि ऑर्डर ऑफ 0.1 mH, जो इंडक्टेंस है 11 kV लाइन के अंदर वो 1 mH। ऑप्शन राइट आंसर बनता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 11 mH। इस तरह 11 kV लाइन के अंदर जो इंडक्टर कैपेसिटेंस पर किलोमीटर है वो 0.01 F होती है, तो इंडक्टेंस जो है वो 1 mH। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। द फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज लीस्ट इन केस ऑफ दी हाई न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें फ्यूल बहुत कम यूज होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, इसके अंदर हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। बहुत हाई इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट की। द लाइफ ऑफ अंडरग्राउंड केबल की लाइफ हमारे पास 40 ईयर्स होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट इज फ्री फ्रॉम द एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रॉब्लम, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से ये फ्री होता है ये प्लांट हमारे पास। फॉर लो हीट एंड हाई डिस्चार्ज द हाइड्रोलिक टर्बाइन इज, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, लो हीट एंड हाई डिस्चार्ज के लिए हम जो टर्बाइन यूज करते हैं उसे कैपलिन टर्बाइन कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच आर द फॉलोइंग आर द कांस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, इसमें रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस आर बो ऑल आर द फॉलोइंग आर द कांस्टेंट्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द रिले यूज इन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हमारे पास जो रिले यूज होती है उसको हम कहते हैं लॉन्ग मोहज रिले। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस जगह पे हमारे पास जो राइट आंसर मिलता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द रिले यूज इन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज द मोहज रिले,
तो इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन है ये मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के अंदर यूज होती है, और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हमारे पास रिएक्टेंस रिले यूज होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप ही नहीं इजा राइट आंसर। तो आज की हमारी वीडियो इतनी थी, काइंडली अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू सो मच।